खरगोन विधानसभा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में तेज हवा आंधी बारिश से रविवार की रात मची तबाही से कई कच्चे मकान गिर गए। हवा आंधी में कई मकानों के टीन शेड की चादरें उड़ने से गरीब ग्रामीणों को बेघर होना पड़ा है। हवा आंधी और कुछ देर का तूफान आया कि गांव में बिजली के पोल के साथ ही कई पेड़ भी उखड़ गए। सड़क पर पोल और पेड़ गिरने से गांव के आने जाने के रास्ते बंद हो गए। हालांकि सुखद खबर है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हवा आंधी और तूफान से लोग अभी भी डरे और सहमे हैं। कई ग्रामीण बेघर हो गए, लोगों के खाने पीने का सामान और गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। तबाही का ऐसा मंजर आया कि लोगों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आज लोगों के घर में चूल्हे तक नहीं जल पाए। खरगोन के रजूर, नंदगांव, बगूद, रामपुरा, अकाउलिया सहित अन्य गांवों में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। रविवार की रात से ही इन गांवों में बिजली भी बंद है। गांव में तबाही मचने के बाद अब सर्वे और मुआवजे की बात की जा रही है। पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार और खरगोन विधायक रवि जोशी ने भी प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी हवा आंधी तूफान का मंजर पहले कभी नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कल रात को 2-3 घंटे बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे हमारे गांव के 20 से 25 मकान और आसपास के 4-5 गांव रजूर, रामपुरा, रमणगांव, अकावलिया और नंदगांव बगूद में बहुत भारी नुकसान हुआ और लाइट के पोल गिर गए, जिससे अभी लाइट भी बंद है और रास्ते भी बंद हैं। बहुत सारे पेड़ रस्तों पर गिर गए हैं। नुकसान जैसे कई घरों पे पेड़ भी गिरे। हाँ, कई घरों पे पेड़ भी गिर गए। बहुत सारे लोगों को बचा के निकाल लिया गया है। रात को ये 2-3 घंटे तक लगातार चली आंधी तूफान, जिससे लोगों ने कैसे बचाव किया, जैसे एकदम आंधी तूफान और बारिश हुई थी तो जैसे उनको ये क्या है, 2-3 राउंड में बारिश हुई। मतलब पहले एक बार आंधी तूफान चालू हुई, फिर दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में फिर लोगों को लग गया कि भाई अब ज़्यादा चल रहा है, तो ये सब कोठियों के अंदर या जहाँ भी छुपना था, छुपने जैसी जगह थी, अपने को बचाव करना था, हाँ, बाहर भाग गए, मकानों से बाहर निकल आए, खेतों में चले गए। ऐसा स्कूल में भी जो है, स्कूल में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है गांव की। मकान भी देखे, लाइट वगैरह सब बंद है अभी? लाइट तो बंद है, मतलब ये कल रात से ही बंद है लाइट। यहाँ 3-4 गांव को मिला के कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कितने मकान हुए होंगे प्रभावित? चारों 4-5 गांव को लगा ले तो अपन 100-150 मकान टूटे हुए हैं और बहुत सारे मतलब नुकसान हुआ है। प्रशासन के अधिकारी अभी तक कोई नहीं आए हैं। यहाँ क्या नाम है आपका? दीपक राठौड़। कितना हुई थी रात? आंधी खूब जोर से आई जाए, तो इतनी जोर से आंधी में पानी बिन गार न भी आई। अब बच्चा नकली पड़ोस में गया, अब नहीं जाता था मर ही जाता, सब पूरा पत्रा उड़ी गया हमारा। एक ऐसे हम भागी गया, खूब इतना आंधी, इतनी आंधी है पूछो मत। पूरा घर भी टूट गया, पूरा घर टूट गया हमारा, पत्रा भी नहीं है। अच्छा, सब पूरा कितने का नुकसान हो गया अंदर? अब कितना को नुकसान होगा भाई, 1-2 लाख को हो जाएगा सामान। गए पूरा सामान कहीं नहीं है, हमारे टीवी पंखा सब तोड़ ही गए, सब गृहस्थी के सब पूरा सब पानी हो गया, सब पूरा गृहस्थी को खत्म। कैसे बचे कैसे? दौड़ के गए हम यहाँ से, भागे। अभी कहाँ गुजारा चल रहा? बाहर ही तो हम सोए, बाहर ही सोए, ट्रेन से बाहर बिस्तर लाए। क्या नाम है आपका? सीमा। कल रात को सूचना मिली थी, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। जो तूफान आया था, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानी हुई, उनके सर्वे के निर्देश दे दिए थे। सारे अधिकारियों से आज सुबह से बात करी है और अब मैं तत्काल आप लोगों से बात करके सीधे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ। आज के दिन भर के कार्यक्रम जो थे वो निरस्त करके इन 5-6 गाँव में, नंदगाँव हों, रमणगाँव हों, रजूर, अकावलिया और उबदी, इन गाँव में जो नुकसान हुआ है, रामपुरा, इन गाँव में जो नुकसान हुआ, नुकसान को देखेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से चर्चा हो गई कि इनको तत्काल 2 दिन के अंदर राहत राशि दे दी जाए, इनके खाते में डाल दी जाए और लोगों को वापस पुनर्स्थापित करने का प्रयास। कितने का नुकसान हुआ होगा भैया? लगभग मेरे हिसाब से 1 से 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इन लोगों को तत्काल इतनी राहत राशि शासन को देना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री आवास की बात जो सरकारें करती है कि सबको हम आवास दे देंगे, 2022-2023 आ गया है और जो आज नुकसान हुआ है
उन्हीं लोगों का हुआ जिनको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिले हैं, उजड़ गए हैं वो लोग। एक माताजी, एक कन्या प्लस के ऊपर भी जख्मी हुई है, एक गाय माता गई है, उसका बछड़ा गया है, वो रहे नहीं हमारे बीच, ऐसी स्थिति है। मैं पशुधन के लिए भी जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है, उनको सर्वे के आधार पर तत्काल राहत राशि देना चाहिए। मैंने आज भी अधिकारियों को बोला और मैं जा रहा हूँ वस्तु स्थिति देख के, अगर ऐसा लगता है तो मैं इस नुकसान की भरपाई के लिए, कल मेरे को अगर भोपाल भी जाना पड़ा, परसों जाना पड़ा, तो मैं जाकर मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि इन लोगों को तत्काल बसाया जाए। जैसे अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने पहुँचे, क्या हवा आंधी तेज बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है? हाँ, कल रात को बहुत तेज हवा और आंधी भी थी, बारिश भी थी, उसके कारण बहुत लगभग 5-6 गांव में नुकसान है। ये जिसमें रामपुरा, काउलिया, रजूर, नंदगांव, बगूद, इन गांव में लगभग 20-25 मकान जो आंधी के कारण धराशायी हो गए हैं। आगे कई लोगों के चदरें भी उड़ी है, खेतों में भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कहीं पर ये देर पूरा सब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, तो जगह जगह खेतों में वो सिस्टम लगा था, तो उसको भी हवा आंधी के कारण वो भी गड़बड़ाया है। तो पेड़ और बिजली के पोल से लाइट है, लाइट तो बंद ही है कल रात से पूरे क्षेत्र में, तो ये नंदगांव ग्रिड पूरा ही बंद है, पोल भी गिरे हैं, पेड़ भी बड़े बड़े पुराने पेड़ गिरे हैं, इस प्रकार से बहुत नुकसान हुआ है। और इसलिए हम इसका सर्वे करा रहे हैं और जिनका जो नुकसान हुआ है उनको राहत राशि शासन की ओर से पूरी मिले, इसकी हम पूरी चिंता करेंगे। क्या लग रहा प्रारंभिक तौर पर कितना नुकसान हुआ होगा आपके 5-6 गांव में? अब ऐसा है कि अभी ये नज़रिया सर्वे, लेकिन लगता है कि कम से कम 50 लाख रुपए का तो नुकसान हुआ ही है। क्योंकि किस प्रकार से राहत दिलाई जाएगी? अब इसमें जो उसमें RBC के धाराओं के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार उनको राहत राशि दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।